जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय दौरे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर जम्मू कश्मीर के युवाओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, सरकार आपके सपनों को साकार करेगी। जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह नुकसान पहुंचाया है। सभी योजनाएं कुछ परिवारों और उनके लोगों तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास के द्वार सभी के लिए खुल गए हैं। मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर प्रशासन डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और इस यूथ क्लब के संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए जम्मू और कश्मीर के प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा युवा साथियों, आज मैं लगभग 2.25 साल के बाद जम्मू कश्मीर आया हूं और आज सुरक्षा रिव्यू मीटिंग के बाद पहला कार्यक्रम मेरा, मेरे लिए भी बहुत आनंद की बात है कि यूथ क्लब के युवा साथियों के साथ हो रहा है। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं मन की गहराइयों से जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलकर बहुत बहुत आनंद और सुकून दोनों का अनुभव करता हूं और बहुत हर्ष भाव के साथ आप लोगों का आज के कार्यक्रम में स्वागत, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना है, कोई भी चीज बदलनी है, तो परिवर्तन का वाहक केवल और केवल युवा हो सकता है। कोई भी परिवर्तन युवाओं के इन्वॉल्वमेंट के बगैर, युवाओं की सहभागिता के बगैर संभव ही नहीं है। और हमारे देश के अंदर, पूरे भारत में सभी लोग जानते हैं, देश और दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि कश्मीर के अंदर हमने एक नए कश्मीर की रचना की शुरुआत की है मोदी जी के नेतृत्व में। आज मैं देख रहा था, बैठे बैठे सोच रहा था, बातचीत भी कर रहा था 8 से 9 युवा क्लब के अलग अलग सभी जाति के, सभी धर्म के युवाओं के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, युवा साथियों के साथ बात हुई। मेरे मन में विचार आता था कि 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में, वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात। कितना भारी बदलाव हुआ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं युवा साथियों, ये बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितनी भी ताकत अजमा ले, ये बदलाव के बयार को अब कोई रोक नहीं सकता। ये आगे बढ़ने वाली है और